हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने या अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कुंभ राशि वालों के लिए 27 जून से 3 जुलाई ये सप्ताह कैसा क्या जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह धन संपन्न रहेगा। सबसे अधिक इस समय आपको धन लाभ होगा क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना इस समय सबसे अधिक कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी है। इस समय सबसे अधिक आपको धन लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपको धन लाभ सबसे अधिक प्राप्त होगा, किंतु इस समय जो आपको धन प्राप्त होगा वो इस समय जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट से ही आपको सबसे अधिक धन लाभ होगा। इस समय मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको राजनीतिक पक्ष से इस समय बड़ा उच्च पद इस समय प्राप्त हो सकता है। नहीं तो अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो आपको गवर्नमेंट संबंधित कोई मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। सुख समृद्धि का वातावरण बढ़ेगा, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट लेवल इस समय आपका अधिक बढ़ेगा। आपके आत्मविश्वास के कारण आप अपने कार्य सुख समृद्धि अच्छे से कर पाएंगे। इस कारणवश आपके पारिवारिक जन आपको देख के बहुत ही प्रसन्न होंगे। सुख समृद्धि का वातावरण है और पराक्रम स्थान का स्वामी इस समय देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जाने के कारण इस समय आपने जो मेहनत परिश्रम किया है उसका पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजनाएं बनेंगी। संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। अगर इस समय कॉलेज लाइफ वाले और पढ़ाई वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा निराशाकारक ये सप्ताह रह सकता है। कोई ना कोई एजुकेशन संबंधी कोई ना कोई परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। मार्क्स अच्छे नहीं आना कोई ना कोई परेशानी। कोई अगर वो नया बिजनेस इस समय स्टार्ट करे तो इस सप्ताह कृपया उस बिजनेस को टाले क्योंकि कोई ना कोई परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकती है। शत्रु जो आपको हमेशा बाधाएं हमेशा आपके छवि बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे थे वो आपके समीप होंगे। शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना आपके पूर्ण रूप से आपके शत्रुओं को नष्ट कर देगा। इस समय आपका अधिक खर्च भी बढ़ेगा। इस समय विदेश जाने के योग भी इस समय आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों को इस समय विदेश जाने के योग भी प्राप्त होंगे किंतु खर्च आपका अधिक बढ़ जाएगा। विदेश से आपको धन लाभ भी होगा। इस समय पत्नी ही के माध्यम से ही धन रुक पाएगा। पत्नी का आपको पूर्ण सहयोग प्यार स्नेह प्राप्त होगा। पत्नी के साथ आप समय व्यतीत करेंगे उनके माध्यम से आपको कोई बड़ा अधिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। पिता से कोई ना कोई ऐसी बात से मतभेद उत्पन्न हो जाए जिससे थोड़ी सी हानि का सामना आपको करना पड़े। इस समय थोड़ा सा जो आपकी व्यापारिक समस्या चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। जो जॉब वाले लोग हैं उनको विदेश जाने के योग प्राप्त होंगे, प्रमोशन के योग प्राप्त होंगे और सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। भाग्य उन्नति कारक समय रहेगा ये पूरा। अगर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है तो वो आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और इसी कारणवश कोई बड़ा उच्च पद आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। बड़े कार्य आपके कारण हो सकते हैं। इस समय माता के कारण कोई भाग्य उन्नति कारक विकासपूर्ण योजना बने, नए वाहन नए मकान की योजना बन सकती है। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तन होने का ये समय चल रहा है और जिनके विवाह अभी तक नहीं हुए हैं अविवाहित लोग हैं उनके विवाह इस सप्ताह में जुड़ जाएंगे क्योंकि देव गुरु बृहस्पति वक्री हुए। कुंभ राशि वालों के लिए अविवाहित लोगों के विवाह इस समय पूर्ण रूप से हो जाएंगे। सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा चिंताकारक विषय बन सकता है। थोड़ा सा खान पीन में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पेट संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। आप सभी को मैंने आज कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह 27 जून से 3 जुलाई 2021 कैसा क्या रहेगा, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण उपाय है ये सभी मैंने बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।